गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आ चुका हूँ और एक नई जगह जिसका नाम है जयदा मंदिर, और मैं अभी जयदा मंदिर के जस्ट पुल के साइड हूँ, और यहाँ से मैं आपको लोगों को व्यू दिखाता हूँ जयदा मंदिर का। आखिर पुल से कैसा व्यू है जयदा मंदिर का। जयदा मंदिर, और अभी मैं चलता हूँ नीचे मंदिर को, आगे से देखते हैं आगे। तो गाइस, आप जयदा टेंपल जब आओगे तो आपको बड़ा सा पुल मिलेगा जिसे आप क्रॉस करके ही जयदा टेंपल जा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा पुल है यहाँ पे, मेरे बैक साइड आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा पुल है। ये रोड जो दिख रहा है यहीं से आप लोग को जाने का रास्ता है। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दिया कुछ देर के लिए, तो चलते हैं आगे और फिर देखते हैं आखिर कितना मिनट लगता है हम लोग को जयदा मंदिर जाने में। तो गाइस, तभी हम जिस पुल पे थे वो मेरे पीछे साइड है, और अभी इस वक्त मैं पार्किंग एरिया पे खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कार वगैरह पार्क होती है, और वहाँ पे बाइक सारा पार्क होता है, तो यहाँ गाड़ी हमने पार्किंग कर ली है और पूजा का कुछ सामान खरीद के फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नीचे का व्यू। बट अभी नहीं, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं नीचे का व्यू दिखाऊंगा। तो भाई ये 70 रुपये है, ये पूरा बकेट का 70 रुपये बकेट बोलिए, व्यू नहीं है एक तरह। ठीक है, चलते हैं आगे पूजा करते हैं। आप कभी भी अगर मंडे आते हो तो मंडे ज़्यादा आपको रश मिलेगा, क्योंकि सावन चल रहा है, इस वजह से आपको मंडे में ज़्यादा रश मिलेगा। तो मैं कहूँगा आप अगर मंडे आ सकते हो तो मंडे भी आप पूजा कर सकते हो, ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा ज़्यादा रश रहेगा। अरे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा भी है, ये देख रहा हाइट दिख रही है उसकी, मतलब मेरे ऐसे दो आ जाएंगे यहाँ पे, ज़्यादा ही हाइट है। फेस भी दुखता नहीं हो रहा है, शॉर्ट है तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकता है। निकल गया, कौन देख रहा था, तो देखो नीचे रखो, नीचे रखो, ऊपर से ले। हम लोग तो मेन पार्ट को काट काट के ही छोड़ो ना। तो हमें यहाँ पे गणेश जी और हनुमान जी, लक्ष्मी जी और भीम माता का
मंदिर है यहाँ पे, आप लाइन से देख सकते हो यहाँ पे मंदिर है। ये भी एक मंदिर है। तो गाइस आप ये जो देख रहे हैं ये नागा बाबा का दर्शन के लिए है सर, आप देख सकते हो तो ये कैमरा का नल। तो गाइस पूजा कर लिया हमने और अभी मैं नीचे की साइड उतर रहा हूँ सीढ़ी से जहाँ सोनरेखा नदी जाती है। यार यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उड़ने वाला कीड़ा है, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ, जिससे आपको अगर जल चढ़ाना है तो आप यहाँ से जल लेकर फिर ऊपर चढ़ा सकते हो। कुछ ज़्यादा ही सीढ़ियाँ है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जब भी आओगे तो आपको बहुत किस्म की यहाँ पे शिवलिंग देखने को मिलेगी। मुझे नाम याद था बट मैं भूल गया, बहुत तरह के शिवलिंग है यहाँ पे। और एक मतलब कि एंट्रेंस में तो एक शिवलिंग है ही बट उसके आगे साइड और सारी बहुत सारी शिवलिंग है जो आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। तो गाइस ये रहा हमारा सोनरेखा नदी जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से लगता है ये नदी। और बारिश के दिनों में तो इसका फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा वो सोनरेखा नदी, यहीं से जल लेकर आप ऊपर चढ़ा सकते हो शिव जी को। ये है यहाँ का पूरा ओवरऑल नीचे का व्यू। अब मैं सच में अगर आप लोग को प्रेफर करूँगा यार कि सच में कहूँगा कि आप कभी भी मतलब ये ज़्यादा टेंपल आओ शिव जी, यहाँ पे शिव जी का टेंपल, खास करके शिव जी का टेंपल है, मतलब आओगे ना तो अलग ही पीसफुल महसूस होगा। और ये नीचे का जो व्यू भी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा लुभाएगा। तो चलते हैं अभी ऊपर वो लेफ्ट राइट साइड से, फिर देखते हैं वहाँ जाकर। और अगर आप लोगों को नागा बाबा से दर्शन नहीं हो तो यहाँ पे आके आप नागा बाबा से दर्शन भी कर सकते हो। चलो पहनता हूँ फिर आगे साइड चलता हूँ। चलते हैं अब, जो नीचे के साइड मैंने बताया था वहाँ कवर कर लेते हैं, वहाँ क्या है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। नीचे चलते हैं फिर देखते हैं वहाँ पे क्या 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 होगी देखने की। समझ रहे हो इतना पुराना टेम्पल महाराज। चलते हैं नीचे जिसकी मैंने बात की थी, यहाँ पे क्या आउट साइड है थोड़ा, इसीलिए जगह उतना क्लीन नहीं है आउट साइड होने की वजह से, अदर साइड है वाकई में। अरे मैंने वो कुछ देखा पता है, देखना वहाँ पे ना कोई ऐसे निकल भाई, ये रिवर के साइड का है क्योंकि आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो मंदिर के साइड जो व्यू है वो काफी ज्यादा सुंदर आ रहा है, काफी ज्यादा अमेजिंग है। आप आ सकते हो, ये चांडिल से पहले आपको ये मंदिर पड़ता है। तो गाइस अभी मैं मंदिर के रिवर साइड हूँ और मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ऊपर से चढ़कर, यहाँ एक बहुत बड़ा ही मतलब पहाड़ है, इसके ऊपर चढ़ता हूँ और देखता हूँ। आप कभी भी आओ ना तो पूरा जगह घूमो यार, मतलब कि आप पूरा जगह घूमोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि एक जगह पर अगर आप घूम के जाओगे तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन आप यहाँ के जब रिवर साइड आओगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा लगेगा।
तो हम वो पहाड़ चढ़ने वाले हैं, चलते हैं वो पहाड़ चढ़ते हैं। गाइज आप कभी भी आओ तो प्लीज़ थोड़ा सेफ्टी के साथ आना, और बारिश का मौसम है ना, इस वजह से मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं वो स्नैक वगैरह ना मिल जाए, ये काफ़ी डेंजरस होगा। तो अब ये पूरा ऊपर से हम लोग चढ़ गए, ये रहा टेंपल और ये रहा मैं, ऊपर का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से लगता है यहाँ का, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को नज़ारा, ये देखिए। तो गाइज ये था पूरा जैदा टेंपल का व्लॉग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।